बालाघाट जिले में पहली बार नारियल पानी मिलेगा आपके द्वार। प्राकृतिक नारियल पानी पीजिए, रोगों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। शहर में मशीन घूमने का समय, रेंजर कॉलेज के सामने प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक, सिविल लाइन दीनदयालपुरम कॉलोनी प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, जिला अस्पताल बालाघाट के सामने 10 बजे से 12 बजे तक, बस स्टैंड कालीपुतली चौक में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, हनुमान चौक में 3 बजे से 4 बजे तक, आरोग्य हॉस्पिटल के सामने शाम 4 बजे से 5 बजे तक और गोंदिया रोड अंबेडकर चौक में शाम 5 बजे से 6 बजे तक। आधुनिक मशीन द्वारा 100% शुद्ध और स्वच्छ नारियल पानी के लिए संपर्क करें। कृष्णा कोको फ्रेश, वार्ड नंबर 13, बूढ़ी बालाघाट। शराब और रेत कारोबार के माध्यम से जिले भर में अपनी एक अलग ही पहचान रखने वाले राजेश पाठक की शिकायत पर दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक किशोर समृते को आज पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। उनके खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में संभ्रांत नागरिकों को परेशान करने के लिए झूठी और मिथ्या खबरें प्रसारित करवाने सहित अवैध वसूली के सबूत पेश किए, जिसके बाद उनकी ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और अग्रिम आदेश तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। जैसे ही बालाघाट की कोर्ट में यह फैसला आया, पुलिस ने पूर्व विधायक को सीधे गाड़ी में बिठा कर जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया। इस दौरान उन्हें मीडिया से भी दूर रखा गया। हालांकि उनके परिवार ने इस मामले पर मीडिया से चर्चा की है। किशोर समृते के भाई योगेश समृते ने कहा है कि यह मुकदमा शराब और रेत माफियाओं के दबाव में प्रशासन के इशारे पर दर्ज किया गया। इस मुकदमे में हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हम जमानत के लिए न्यायपालिका से आगे भी प्रयास करते रहेंगे। योगेश ने यह भी कहा है कि यह लड़ाई माफियाओं के गठजोड़ से चल रहे बालाघाट के जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जो मुकदमा है, एक तो कैसा है, ये शराब माफिया और रेत माफिया के दबाव में प्रशासन ने बनाया है और पूरे षड्यंत्र के साथ में ये मुकदमा बनाया गया है। और इस मुकदमे में हमको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि प्रशासन तो हमें बिल्कुल सहकार्य नहीं करेगा और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि किशोर समृते जो पूर्व विधायक है उनको प्रताड़ित कैसे किया जाए। उसके लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे, क्योंकि वो उनके जितने भी चरित्र था, जो भी वो लोग अभी तक के कर रहे थे अवैध कारोबार, उसको पूरा उजागर करने का काम मेरे बड़े भाई साहब ने किया। इसलिए यहाँ का कलेक्टर, SP सब उनको षड्यंत्र के तौर पे फंसा करके जेल भिजवाना चाहते थे और वो अपनी साजिश में कामयाब होते दिख रहे हैं। हमें न्यायालय पे विश्वास है, हम न्यायालय में जाकर के मांग करेंगे। और ये जो शराब माफिया और रेत माफिया के कहने पर जो प्रशासन चल रहा है, इनको आज नहीं कल इसके दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ेंगे। इसके लिए उनको भी तैयारी करके रहना है कि उनकी लड़ाई अब किशोर समृते के साथ में फेस टू फेस होने वाली है, तो ये लड़ाई के लिए वो भी तैयार रहे। हम तो अपना तैयारी कर चुके हैं, बाकी की तैयारी अब उनको करना है। भैया, जो आरोप लगाए जाते हैं समृते जी की तरफ से, जो समाज सेवी है और जो दूसरे लोगों पर है, कि 2 लाख गाय कटवा दिए, जांच में ऐसे सारे आरोप जो निराधार पाए गए हैं और उनके द्वारा पूर्व में जो 2 पुलिस का के जो कर्मचारी उनके हत्या के भी आरोप लगाए गए थे, उसमें भी जांच में ये पाया कि वो भी निराधार। वो कांस्टेबल गायब हुआ तो अभी तक पुलिस ने अपने कांस्टेबल की जांच क्यों नहीं करवाई मौत? लेकिन जिस समय की वो बात कर रहे हैं, उस समय तक तो राजेश पाठक जी यहाँ आए भी नहीं। राजेश पाठक का उस टाइम ठेका शुरू हो चुका था बांदा कंपनी के साथ में, गलत बोल रहे हो आप। 2 लाख गायों को कटाने का आरोप टोटल निराधार। बाजार ठेकेदारों को पैसा फाइनेंस करने का काम राजेश पाठक करना, लेकिन गायों को कटाना दोनों अलग अलग मैटर है। ये कही है ना, पैसा देकर के गाय खरीदवाना और कटवाना, फर्क क्या है भैया? जिस प्रकार से अभी जिस प्रकार से बात, पूर्ण सुनियोजित षड्यंत्र है ये किशोर समृद्धि को फंसाने का, बस बाकी कुछ नहीं। अभी जमानत के लिए कुछ न्यायालय के ऊपर विश्वास है, न्यायालय हमको देगा न्याय। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है। इधर इस मामले से जुड़े मुख्य शिकायतकर्ता शराब और रेत कारोबारी राजेश पाठक ने भी पत्रकारों से चर्चा की है। उन्होंने पूर्व विधायक किशोर समृते को अंतर्राज्यीय स्तर पर ब्लैकमेलिंग करने वाला बताया। साथ ही समृते द्वारा लगाए गए गौ हत्या, कांस्टेबल की हत्या जैसे मामलों पर अपने विचार रखे। उन्होंने यह भी कहा है कि किशोर समृते जैसे लोग अवैध वसूली के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनके द्वारा जो भी आरोप उन पर लगाए गए वे निराधार है और इसके कोई प्रमाण उनके पास मौजूद नहीं है। हम पूरी तरह से सच उजागर करना चाहते हैं, जिसको हमने करीब पिछले 15 साल से मन में समेट के रखा, वो अब बताना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर आ गया है।
आपको ज्ञात होगा कि जिनका धंधा ब्लैकमेलिंग का ही है, हमारा जिला नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, वरन अंतरराज्यीय हम कह सकते हैं कि ब्लैकमेल के धंधे से ही आगे बढ़ना है, ब्लैकमेल करके ही पैसे कमाना है। ऐसे समरीते जी द्वारा 2,00,000 गाय कटवाने का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। आज मैं आपके सामने उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर उनमें सच बोलने का साहस और हिम्मत है तो पूरे जिले की जनता के सामने सिद्ध करके दिखाएं कि ये 2,00,000 गाय कब और कहाँ कटी और मैं कहाँ वहाँ उपस्थित था। क्या गाय और बैल के किसी कारोबार से मेरा कभी सरोकार रहा है? अगर नहीं रहा है तो इस तरह की फर्जी शिकायतें करके अपने ब्लैकमेल करने के उद्देश्य को पूरा करने के सिवा और क्या हो सकता है? समरीते जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने तथाकथित, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, जिससे मैं आज दिनांक तक कभी मिला भी नहीं होऊंगा, पुलिस आरक्षक नत्थूलाल बंसोड़, ये इनके पत्र से मुझे जानकारी हुई। अभी 10-15 दिन से जब सोशल मीडिया में चलाना चालू किए तब मुझे पता चला कि इस तरह की फर्जी शिकायत ये पहले से कर चुके हैं 6 महीने पहले, और उसकी जांच भी हो चुकी, जांच में निराधार भी पाई गई। माइनिंग कारपोरेशन से लेके हिंदू भारत सरकार से लेके पूरे माइनिंग में भी इन्होंने फर्जी शिकायतें की, वहाँ भी जांच करके निष्कर्ष में ये आया कि ये शिकायतें फर्जी पाई गईं, जिसकी जांच रिपोर्ट आप लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से और माइनिंग अधिकारी के कार्यालय से मिल सकती है। आप सब लोग प्राप्त कर सकते हो कि वो जांच रिपोर्ट का क्या हुआ जो इन्होंने फर्जी शिकायतें लगाई। नत्थूलाल बंसोड़ को ना तो मैं कभी मिला, ना मैं कभी जानता हूँ। एक और दूसरा नाम लिखा इन्होंने, सहायक पुलिस निरीक्षक, उसकी भी मैंने हत्या करा दी, ऐसा इन्होंने गंभीर आरोप मेरे ऊपर लगाया। जबकि मैं 1995 से बालाघाट में हूँ, 95 से, आज तक मेरे विरुद्ध झापड़ मारने का आरोप नहीं लगा। और वो आदमी जिसके खिलाफ बलात्कार का केस हो, जिसके खिलाफ हत्या करने का केस हो, जिसके खिलाफ आगजनी का केस हो, और जो आदमी खुद सजायाफ्ता हो, बालाघाट सेशन कोर्ट से बाकायदे सजायाफ्ता है, जो हाईकोर्ट की जमानत पर चल रहा है, वो हमको चरित्र का सर्टिफिकेट बांट रहा है, जिस आदमी के खिलाफ इतने आरोप लगे हों संगीन, वो किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है तो उसका उद्देश्य ऑलरेडी सिद्ध हो जाता है कि इसका उद्देश्य केवल और केवल ब्लैकमेल करने का है, दूसरा कोई भी नहीं। बालाघाट जिले के बैहर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुरमुंडी में 2 तेंदुए के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत तेंदुओं में एक नर और एक मादा है, जिनकी करंट लगाकर शिकार किए जाने की आशंका है। वन विभाग ने शव पंचनामा और पीएम कार्यवाही के बाद शवों का दाह संस्कार कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए CCF नरेंद्र सनोड़िया ने बताया है कि सुबह सूचना मिली थी कि राजस्व ग्राम खुरमुंडी में 2 तेंदुओं के शव दिखाई दिए हैं। सूचना पर वन अमले ने मौका स्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा तथा पीएम की कार्यवाही की। प्रथम दृष्टया करंट लगाकर शिकार किए जाने की संभावना है, फिर भी पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डॉग स्क्वाड की मदद से कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। करंट से मौत हो गई ऐसी जानकारी मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, बालाघाट जिले का खुरमुंडी राजस्व ग्राम है जी। यहाँ पर सुबह हमें सूचना मिली थी कि 2 मृत तेंदुए हैं यहाँ पर जी। स्टाफ यहाँ पर आया था और हमने वेटनरी डॉक्टर को बुला के इनका पोस्टमार्टम भी करवाया है जी। सैंपल्स ले लिए गए हैं जी। डार्क स्क्वाड की मदद से हम लोगों ने 2-3 संदिग्ध व्यक्तियों को भी पकड़ा है जी। अब सैंपल की जो रिपोर्ट आती है और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उन संदिग्ध व्यक्तियों से जी। उनसे पूछताछ से हम इस निष्कर्ष में पहुँचेंगे कि किस प्रायोजन से उन्होंने अपराध किया है और किस तरीके का उपयोग करके उन्होंने ये अपराध किया है। सदियों से आदिवासियों का निवास सुदूर वन में रहा है। जरूर कुछ आदिवासी आधुनिक जीवन से प्रभावित होकर शहरों की ओर रवाना हुए, लेकिन कई आदिवासी परिवार ऐसे हैं जो आज़ादी के दशकों बाद भी
अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए आज भी घने जंगलों और सुदूर वनांचल गाँव में ही निवास कर रहे हैं। ऐसे ही आदिवासियों के बीच हम निरंतर पहुंचकर उनकी दिनचर्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अति संवेदनशील वन ग्राम कट्टीपार में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर हम निरंतर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से यहाँ के आदिवासियों को कितना कुछ लाभ मिला है। हमारे बीच कई आदिवासी परिवार इस वक्त मौजूद है। अब इनसे ही हम सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार की जो तमाम योजनाएँ हैं इस गाँव में कितना फलीभूत हुई है और उसके माध्यम से इनके जीवन मानक स्तर में कितना कुछ बदलाव हुआ है। क्या नाम आपका? संतोष उइके। कौन सी पंचायत में आता है ये गांव? अंधिया टोला पंचायत। अंधिया टोला, हाँ। क्या स्थिति है इस गांव में? प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करेंगे तो कितने मकान अभी तक बने हैं? अभी तो मकान पाँच छः मकान उठ रहे हैं, मटल नहीं गिराया। अच्छा, हाँ। तो पहली बार बन रहे हैं? हाँ, पहली बार स्वीकृत हुए। कितने घर स्वीकृत हुए हैं? कितने आने? 28। 28 हुए हैं। उसमें से कितने लोग बना रहे हैं? यानी कि हाँ 15-26। तो बराबर राशि मिल रही है योजना की? राशि तो नहीं मिल रहा है जी, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, दूसरा किस्ती। तो काम जो अटके हुए उसी कारण से? हाँ, उसी को रुका हुआ है काम। अच्छा, आपका नाम क्या है आप बताएं? अनंतराम टेकाम। अनंत, ये बताएंगे यहाँ पे वृद्धा अवस्था की जो पेंशन होती है या फिर निराश्रित जो पेंशन मिलती है, क्या स्थिति है गाँव में? मिली है किसी को? सर एक दो को मिले हैं, बाकी को नहीं मिले। ऐसा क्यों? कितने ऐसा, लोग ऐसे हितग्राही कितने होंगे गांव में? हितग्राही 10 से 12। 10 से 12 एक दो लोगों को मिले हैं? एक दो लोगों को। सरपंच सचिव आते हैं कभी गांव में? कभी काल आ जाते हैं। कभी काल मतलब बहुत कम आते हैं? बहुत कम आते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे मतलब आवेदन किए हो आप लोगों ने कभी इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए? हाँ, आवेदन कर चुके हैं यहाँ से। क्या जवाब मिलता है? तो जवाब तो ऊपर से आने का है बोलते हैं। ऊपर से? क्या ऊपर से आने को है? उधर से लिस्ट आने का है बोलते हैं। उसके बाद फिर ये कागज लाओ, तो कागज लाओ, फिर फाइल को वहीं दबा देते हैं, इसलिए कार्य पूरा नहीं हो पाता उसमें। अच्छा, जंगल में कैसे कट रहा है जीवन आप लोगों का? बड़े मुश्किल से काट रहे हैं जीवन। तो हमको आने जाने का सुविधा नहीं है, रोड का समस्या है। बीमार हो जाए कोई तो क्या स्थिति बनती है? बड़े मुश्किल से लेके जाना पड़ रहा है। अच्छा, बारिश के दिनों में क्या स्थिति होती है? बारिश के दिन में तो बड़े वो कंधे से लेके जाना पड़ता है जोंगे वो से। तो किसी की मौत भी हो जाती है ऐसी स्थिति में? मौत तो हो जाती है जी, अब डॉक्टर नहीं है पास में तो। अच्छा, कोरोना लॉकडाउन के जो 2 महीने थे कैसे बीते आप लोगों के जंगल के बीच? बड़े मुश्किल से बिताए सर अपन तो। अभी तो लॉकडाउन हो गया तो सब काम जाम हो गया, कहीं आना जाना। अरे क्या विकास होगा, कोई विकास नहीं हुआ है अभी तो गाँव में। गाँव में सड़कें बन गई पूरी? नहीं। पानी की क्या सुविधा है? तो पानी का तो बहुत, अभी तो चार पाँच हैंडपम्प है तो वो तो पानी काम में नहीं देता पंपों का। बिल्कुल पानी काम नहीं आता? नहीं, बाहर में। बाहर से लाते हो पानी? कहाँ से लाते? कुएं से। बस कुएं का पहले से ही पी रहे हैं पुराने से। अच्छा, नालियाँ बनी है गांव में? नहीं। शौचालय बने हैं लोगों के? वो शौचालय बने हैं लेकिन वो कोई बने नहीं थे, कोई बने क्यों नहीं। नेटवर्क मिलता है मोबाइल से अगर बात करना हो रिश्तेदार से तो कैसे करते हो? थोड़ा सी है उधर मिलता है जी। अच्छा, वहाँ से बात कर लेते हैं, उधर से लगाते हैं तो नहीं लगता। अच्छा, गांव में कुछ टावर बने हैं लकड़ी के, उनमें लगाते हैं क्या? हाँ जी, वो उधर में। गांव में क्या स्थिति है, विकास हुआ है गांव का? कुछ डेवलपमेंट दिखता है गांव में? क्या विकास हुआ है जी, कुछ भी तो नहीं। तो आते हैं क्या नहीं कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत के कर्मचारी? धोखा से कभी कभी पंचायत वाले, नहीं तो आते नहीं। अच्छा जी, किसान हो आप? हाँ जी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नाम सुने हो? नहीं तो मिला है जी। मिला है? नहीं नहीं मिला बिल्कुल पैसा? नहीं, नहीं। आप भी किसान हो? हाँ जी। आपको मिला है प्रधानमंत्री किसान निधि का? मैं भैयालाल उइके हूँ सर। ऐसा क्या? हाँ। मिला है आपको पैसा किसान? नहीं, मैंने फार्म आराम भरा जो मुख्यमंत्री योजना वाला 4000 रुपया, वो भी नहीं मिला। अच्छा। कितने सालों से निवास करते हो इस गाँव में? यहाँ से तो पेड़ी से भूमि स्वामी है। अच्छा, कितने साल फिर भी हो गए? मेरे को तो अभी कितनी पीढ़ियाँ बीत गई आप लोगों की? यहाँ से तो 3 पीढ़ी बीत गई जी। 3 पीढ़ी यहाँ के निवासी हम लोग। तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कुछ परिवर्तन समझ में आ रहा है? परिवर्तन तो बिगड़ते जा रहा है पर सुधर रहा नहीं। वैसे तो क्षेत्र में दशकों साल पहले कोसमडीह, लोधेवाड़ा जैसे आदिवासी गांव भी हुआ करते थे, लेकिन शासन प्रशासन ने इन गांवों के आदिवासियों को जंगल से विस्थापित कर मुख्य मार्ग पर ला दिया, जिसके बाद यह एकमात्र गांव ही अब जंगल में बसा हुआ है। गांव तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता अब तक नहीं बना है। कुछ साल पहले गांव में आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक शाला का निर्माण जरूर हुआ, लेकिन इसके आगे की शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं हुए, लिहाजा यहां के आदिवासी बच्चे शिक्षा के लिए महाराष्ट्र के सालेकसा तहसील पर निर्भर हो गए। इस गांव से कुछ ही दूरी के बाद एक जंगली नाला पड़ता है, जिसे पार करने के बाद महाराष्ट्र की सीमा लग जाती है, जहां से वे बाजार और अन्य जरूरी काम निपटा लेते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में यह गांव पूरी तरह से कट जाता है। तब यहां के आदिवासी परिवार बालाघाट जिले की सीमा पर बसे सीतापाला और रिसेवाड़ा से जुड़ पाते हैं, लेकिन अतिवर्षा की स्थिति में इन गाँवों से भी इनका संपर्क टूट जाता है। ऐसे हालात में कोई बीमार हो तो स्थिति और भी बिगड़ जाती है। गांव की कुल आबादी की बात करें तो यहां 35 परिवार निवास करते हैं, लेकिन शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन औपचारिकता से कम नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो या मनरेगा, रोजगार या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था का मसला, यहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह गाँव मूलतः अंधियाटोला पंचायत के अधीन है, लेकिन इस गाँव की पंचायत से दूरी 15 किलोमीटर है। ऊपर से जंगल में गांव होने के कारण ना तो सरपंच के द्वारा सूद ली जाती है और ना ही शासन प्रशासन को इन आदिवासियों की फिक्र सताती है। इस वर्ष पीएम आवास योजना से करीब 18 मकानों को स्वीकृति मिली है, लेकिन किस्त की राशि समय पर नहीं मिलने के कारण अधिकांश मकान अधूरे पड़े हैं। लॉकडाउन के जो 2 महीने बीते हैं, कोरोना संक्रमण का डर था, काफ़ी सारे बीहड़ जंगलों में आप लोग रहते हैं, घने जंगलों में, किस तरह से जीवन आप लोगों का चला इस बीच 2 महीने में? सर लेकिन ऐसे तो परिस्थिति में बहुत लग कटाई सब लॉकडाउन की वजह से, कोई काम चालू नहीं, कुछ नहीं, बस घर में। फॉरेस्ट विभाग की ओर से कुछ काम मिला था? मिला था सर, लेकिन ऐसे पहले। तो किस तरह से, मतलब इससे क्या परेशानी हुई लॉकडाउन के बीच? ये चूँकि ये गांव काफ़ी जंगल में है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो ऐसी स्थितियों में किस तरह से आप लोगों ने अपने जीवन का निर्वहन किया? सो ऐसे तो तबियत खराब हो जाते तो डॉक्टर होकर तो इधर तो आदमी आ भी नहीं सकते, और अच्छे से रास्ता भी नहीं है इधर जाने के लिए। हम दरे कसा जा रहे चाहते हैं इधर से, अच्छा है रास्ता बनाए इसलिए। अच्छा, दरे कसा जाते? हाँ, दरे कसा जाते हैं। दरे कसा कितने किलोमीटर है यहाँ से? महाराष्ट्र का गाँव है ये? यस सर। अच्छा, तो दरे कसा यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? 2-4 किलोमीटर? नहीं, ज़्यादा पड़े है। अच्छा, बीच में फिर नदी नाले नहीं है? नहीं, ये है नाला इधर। तो बारिश में कैसे जाते हो? बारिश के दिन में इधर ही जाते हैं सर। इधर नहीं जा सकते? नहीं, महाराष्ट्र में नहीं सर, इधर फूल भी नहीं है बनाई सर, यहाँ से पूरा पानी भर जाता है यहाँ। अच्छा, इधर ही जाते हैं फिर। गांव में बच्चे भी पढ़ने के लिए महाराष्ट्र ही जाते हैं क्या? ये सब महाराष्ट्र भी जाते हैं सर। अच्छा, गाँव में स्कूल है? स्कूल तो नहीं है सर, आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी है, प्राथमिक स्कूल है, लेकिन वहाँ जाते नहीं है बच्चे ज़्यादा, सब बाहर पढ़ने जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से बंद है तो घर में रहते हैं। अच्छा, बाहर पढ़ने जाते हैं बच्चे यहाँ के ज़्यादातर? यस। महाराष्ट्र में? यस। फिर महाराष्ट्र के सर्टिफिकेट में यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी बच्चों को, अगर नौकरी लगवाना हो तो? नहीं मिलती सर वैसे तो इधर पैसे भी लगते है स्कूल में, और इधर अडम तो नहीं कर सकते इतने दूर से, लेकिन हॉस्टल में ही रहते हैं बच्चे ज़्यादा ही पढ़ने के लिए। तो महाराष्ट्र में अच्छी सुविधाएं मिल जाती है आप लोग? यस सर, हॉस्टल में रहते हैं। क्या क्या सुविधाएं मिल जाती है महाराष्ट्र में? सर महाराष्ट्र में तो सब साबुन वाबन तो सब वहाँ से मिलता है, हॉस्टल में रहते हैं बच्चे। अच्छा। पढ़ाई भी अच्छे अच्छे करते हैं, और बस सही से देखने के लिए जाते हैं बच्चे को। अभी तक की जो स्थिति यहाँ पर समझ में आई है, उसके अनुसार गांव में विकास के नाम पर
योजनाओं के क्रियान्वयन के नाम पर थोड़ा बहुत काम जरूर हुए है, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ है। यहाँ के अधिकांश आदिवासी परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ नहीं मिला है, लिहाजा आज भी यहाँ के आदिवासी परिवार शासन प्रशासन की चौखट पर पहुंचकर योजनाओं के क्रियान्वयन की मांग करने मजबूर है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट। जिले के छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा से सटकर बसे दुर्गम पहुंचबीन और नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य ग्राम कट्टीपार एवं सीतापाला गांव में रविवार को प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम पहुंची, जहां दोनों गांव में शिविर के माध्यम से निवासरत 75 परिवारों को सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफी अंसारी, पत्रकार यमलेश वंजारी, राहुल टेमरे और ज्ञानचंद कालबेले के द्वारा परिक्षेत्र सहायक दिलीप डोंगरे की उपस्थिति में आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला, तेल, साबुन आदि सामग्री से बनी राशन किट प्रदान की गई। सर्वप्रथम उपस्थित आदिवासी ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए मास्क का भी वितरण किया गया। उसके बाद इन्हें राशन किट प्रदाय की गई। आपको बता दें कि ग्राम कट्टीपार जिला मुख्यालय से करीबन 100 किलोमीटर दूर है, जो विकासखंड लांजी के अंधियाटोला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल के बीच बीहड़ रास्तों से होकर जाना पड़ता है। पिछले कई दिनों से वहां के ग्रामीणों का फाउंडेशन के पदाधिकारियों को राशन किट बांटने को लेकर संदेश मिल रहा था, जिसके बाद फाउंडेशन के संरक्षक IAS अधिकारी मुकेश मेश्राम के दिशा निर्देशन में पदाधिकारियों के द्वारा राशन किट का वितरण किया गया। ग्राम कट्टीपार में वितरण के बाद वहां से 10 किलोमीटर दूर फाउंडेशन की टीम ग्राम पंचायत रिसेवाड़ा के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य गांव सीतापाला भी पहुंची, जहां उपस्थित 46 परिवारों को मास्क और राशन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर वन रक्षक बादल जांभुलकर, कन्हैयालाल गायकवाड़, ग्रामीणों में रघुवीर रेंदुलाल मरसकोले, अंतराम टेकाम सहित अनेक लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि कोरोना काल के इस दूसरी लहर के दौरान फाउंडेशन के द्वारा करीब एक दर्जन से अधिक आदिवासी और बैगा बाहुल्य गांव में पहुंचकर उनकी जरूरत की सामग्री का वितरण किया जा चुका है। फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम के अनुसार भविष्य में भी राशन वितरण करने का यह सिलसिला जारी रहेगा।